राजनीति राजनीति के बाद चलिए रुख करते हैं केंद्र की राजनीति का। केंद्र की राजनीति से क्या खबरें आ रही है? दरअसल लोकसभा चुनाव में वोटिंग करके अब जनता अपने सांसदों की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है, क्योंकि अब नेताओं की बारी है जनता से किए वादे पूरे करने की। आज हम बात करेंगे परिवारवाद की और बताएंगे कि परिवारवाद से परहेज करने वाले मोदी की सरकार में परिवारवाद का जलवा किस तरह बिखेरा गया है। वैसे तो परिवारवाद भारतीय राजनीति की पहचान बन चुकी है, अब आखिर राजनेताओं को क्यों दोष दे, उन्हें चुनकर भी तो आप ही भेजते हैं, इसलिए यह तो चलता ही रहेगा। इस बार भी संसद में पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटे, चाचा भतीजे की कई जोड़ियां पहुंची है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर को जनता ने संसद भेजा है। पिता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से संसद पहुंचे हैं, जबकि बेटे अखिलेश यादव आजमगढ़ से। यानी इस बार दोनों पिता पुत्र लोकसभा में साथ में नजर आएंगे। इधर माँ सोनिया गांधी रायबरेली से, जबकि बेटे राहुल गांधी की लाज वायनाड वालों ने रखी। इसीलिए एक बार फिर माँ बेटे दोनों संसद में साथ दिखेंगे। उधर गांधी परिवार की दूसरी बहू मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी भी जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचे हैं। अभिनेत्री से नेता बनी हेमा जी एक बार फिर मोदी के नाम पर संसद पहुंची, जबकि उनके सौतेले बेटे सनी देओल भी अब संसद में आ गए हैं। अब ये दोनों माँ बेटे भी एक साथ नजर आएंगे। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि परिवारवाद का जलवा मोदी सरकार में नहीं दिखाई दिया। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवार जनता की भलाई के लिए कितने उम्दा साबित होते हैं।